जय साई राम। नमस्कार, मैं ब्रिज मंसूरी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल में। आज हम बात करेंगे आपके ग्रह क्या बोलते हैं, खुद जाने आपका कौन सा ग्रह खराब है। मैं आज बताने वाला हूं कि आप खुद जान सकते हैं कि आपका कौन सा ग्रह खराब है। उसके उपाय भी बता रहा हूं, परंतु निवेदन करता हूं कि योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाए बगैर कोई उपाय मत कीजिए, साइड इफेक्ट हो सकता है, नुकसान हो सकता है। लक्षण देखकर जानिए कि आपका कौन सा ग्रह खराब है, कौन सा ग्रह नीच हो रहा है, उस नीच ग्रह का उपाय कर लीजिए, परंतु ज्योतिषाचार्य को दिखाए बिना उपाय मत कीजिए। ये मैं बार बार आपको कहूँगा, क्योंकि हमें डिग्री भी देखनी होती है, ग्रहों की दृष्टि देखनी होती है, उसी के अनुसार उपाय बताए जाते हैं। जन्म कुंडली में बहुत सारे योग भी होते हैं, उन योगों के बारे में भी बताया जाता है। सूर्य ग्रह, नमक का फीका लगना, रात को सोए हुए मुंह से पानी गिरना, कमर दर्द होना, शरीर अकड़ा अकड़ा सा महसूस होना बताता है कि आपका सूर्य कमजोर है। यदि ऐसा प्रतीत हो तो तुरंत समझ जाइए कि आपका सूर्य वीक हो रहा है। यदि सभी को नमक ठीक लगे, आपको नमक कम लगे, तो ये सीधी सी बात है कि आपका सूर्य वीक हो रहा है, कमर में दर्द भी रहेगा। सूर्य जब कमजोर होते हैं तो मान हानि हो सकती है, उच्च रक्तचाप हो सकता है, सर्द दर्द की शिकायत हो सकती है, तथा व्यापार में हानि हो सकती है। आपको गुस्सा ज्यादा आएगा, आप गलत निर्णय भी ले सकते हैं, क्योंकि ऐसे में जोश ज्यादा रहता है। ध्यान रखना चाहिए, रोगी भी हो सकते हैं, व्यापार में नुकसान हो सकता है, सारा ध्यान रखना है इन बातों का। उपाय, अब मैं उपाय बताऊंगा सूर्य ग्रह के। उपाय के तौर पर या तो अपनी जन्म कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, या फिर कुछ दिन गुड़ दान करके देख लीजिए। ये गुड़ सूर्य डूबने से पहले किसी गरीब को देना है। कितना देना है? जितना आपका दिल करे। गुड़ किसी गरीब को दान कीजिए, सूर्य को जल अर्पण कीजिए। जब चंद्र कमजोर होते हैं तो सूर्य डूबने के बाद चिंताएं बढ़ जाती हैं, रात को ठीक तरह से नींद नहीं आती है, आंखों में खारिश हो सकती है, पेट खराब हो सकता है, तथा सर्दी जुकाम का प्रकोप हो सकता है। जब चंद्रमा आएंगे तो आप देखेंगे कि सूर्य डूबने के बाद आपकी चिंताएं बढ़ने लगी हैं। सूर्य डूबने के बाद आप बहुत ही ज्यादा सोचने लगे हैं, रात के वक्त नींद नहीं आ रही है, कोई ऐसी बात दिमाग में आ गई जिसको सोचते ही रहे। तो ऐसे में क्या उपाय किए जाएं? अब मैं आपको उपाय बताऊंगा। चंद्र कमजोर होने पर दूध तथा चावल दान करना चाहिए। ध्यान रखना चाहिए घर में दूध उबलकर गैस पर ना गिरे। यदि ऐसा होता है तो आपके चंद्रमा और ज्यादा नीच हो जाते हैं। मंगल ग्रह, जब मंगल आते हैं तो सुबह उठने पर शरीर में दर्द महसूस होती है, गुस्सा बहुत आता है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। जब ऐसे संकेत मिलें तो समझ लेना चाहिए कि मंगल की दशा आ गई है और मंगल आपका नीच चल रहा है। ये बात आपको समझ लेनी चाहिए। मंगल की दशा में भी हाई ब्लड प्रेशर हो सकता है, ध्यान रखना चाहिए। सुबह उठने पर शरीर में दर्द महसूस होती है और व्यक्ति गलत निर्णय भी ले सकता है। तो आइए उपाय जानते हैं कि उपाय क्या करने चाहिए। पीले रंग की मिठाई दान करें, पीले रंग की मिठाई ले लें, सूर्य डूबने से पहले दान करें। रेवड़ियां बच्चों में बांटें, सूर्य डूबने से पहले ये उपाय करना चाहिए। कंजक पूजन भी कर सकते हैं आप, योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, वो आपको डिटेल में और भी उपाय बताएंगे। वरना आप ये सिंपल उपाय भी कर सकते हैं, परंतु मैं कहूंगा कि फिर भी दिखाकर ही करने चाहिए। राहु ग्रह है सबसे खतरनाक ग्रह। पेट का खराब होना, डर लगना, रात को ज्यादा सपने आना, चोट लगना, कर्ज लड़ाई झगड़े होना, तैयार होने को दिल ना करना, गंदे बने रहना, बदनामी होना बताता है कि आपका राहु नीच है। ऐसे ग्रह में कारोबार कई बार बिल्कुल बंद हो जाता है,
व्यक्ति पुलिस में चला जाता है, जेल में चला जाता है, हवालात में चला जाता है। ऐसी दिशा से आपको पता चलता है कि आपका राहु खराब है, और जब ऐसा पता चले तो तत्काल रूप से अपनी कुंडली दिखा लेनी चाहिए, कुंडली दिखाकर उपाय जान लेने चाहिए। जब राहु ऐसे नीच होते हैं तो पुलिस केस हो सकता है, अदालती केस हो सकता है, चोट लग सकती है, ऑपरेशन हो सकता है, कर्ज चढ़ सकता है, बदनामी हो सकती है, बुरी आदतें पड़ सकती हैं, चोरी करने की आदत पड़ सकती है, काम बंद हो सकता है, नौकरी में नुकसान हो सकता है। ये सब ऐसी दशाओं में आम बात है। आप जानेंगे उपाय, ऐसे में उपाय क्या करें। उपाय के तौर पर मूली दान करनी चाहिए, हरे रंग की सौंफ, लाल रंग के कपड़े में अपने सिरहाने यानी तकिए में रखनी चाहिए, नारियल जल प्रवाह किया जा सकता है, सुरमा दबाया जा सकता है। राहु के बहुत सारे उपाय होते हैं। सही यही रहेगा कि आप अपने जन्म कुंडली किसी ज्योतिषाचार्य को दिखाकर ही उपाय कीजिए। कच्चा कोयला जल प्रवाह करना, जो सिक्का हम सीवरेज में डालते हैं वो सिक्का जल प्रवाह करना, सुरमा दबाना, बहुत सारे उपाय हैं। तो राहु के लिए ज्योतिषाचार्य को अवश्य दिखाइए, तभी कोई उपाय कीजिए। पेट में गैस रहना, पाठ पूजा की तरफ ध्यान जाना, अच्छे कर्म करने की तरफ ध्यान जाना, या तो गुरुओं के प्रति प्रेम पैदा होना या गुरुओं के प्रति नफरत पैदा होना बताता है कि आप पर बृहस्पति गुरु की दशा चल रही है। जब बृहस्पति आते हैं तो व्यक्ति का ध्यान पाठ पूजा की तरफ जाता है, कई बार गुरुओं के विरोध में भी जाता है, कई बार गुरुओं के हक में जाता है, और व्यक्ति का अच्छे कर्म करने को दिल करता है, बहुत साफ सुथरा रहने को दिल करता है। तो आइए उपाय जानते हैं कि कैसे बृहस्पति को अपनी फेवर में रखें। दूध में हल्दी डालकर पिए, माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं, रोजाना चने की दाल हल्दी दान करें, किसी साधु ब्राह्मण को पीले वस्त्र दान करें, रोजाना मंदिर जरूर जाएं और मंदिर जाकर माथा जमीन पर लगाकर वहां पर दर्शन लीजिए, इससे बृहस्पति उच्च के हो जाते हैं। और किसी प्रकार से मांस मदिरा का सेवन मत करें। पेट का खराब होना, चोट का लगना, आगजनी की घटना होना, चोरी होना, व्यापार में भारी हानि होना, मान हानि होना, कोर्ट कचहरी का चक्कर पड़ना, पुलिस केस होना, रोग लगना, शत्रु बढ़ जाना, आर्थिक तंगी हो जाना, घर में काली चींटियां या काले कीड़े निकलना बताता है कि आपका शनि ग्रह खराब चल रहा है। यदि आपके घर के मेन मुख्य द्वार के बाहर पानी खड़ा है तब भी पता चलता है कि शनि खराब है। ऐसे में आपको बहुत सारे उपाय हो सकते हैं, परंतु मैं चाहता हूं कि आप किसी योग्य ज्योतिषाचार्य को दिखाएं। शनि के उपाय में शनि मंदिर में रोजाना तेल दान करना चाहिए, शनिवार नारियल, काला कपड़ा, काली दाल, लोहे का कील, सरसों का तेल शनि मंदिर में चढ़ाना चाहिए, सुरमा जमीन में दबाया जा सकता है। शनि के और भी बहुत सारे उपाय हैं, परंतु ये किसी योग्य ज्योतिषाचार्य से विचार विमर्श किए बगैर नहीं करने चाहिए, क्योंकि शनि आपको बहुत नुकसान कर सकते हैं। शनि के लिए बहुत सारे उपाय होते हैं, जमीन में दबाने वाले हैं, जल प्रवाह करने वाले हैं, परंतु मैं कहूँगा कि आप ज्योतिषाचार्य को दिखाइए, क्योंकि शनि जहाँ आपको नुकसान करते हैं वहाँ बहुत सारा फायदा भी दे सकते हैं, यदि हम इनको कंट्रोल कर लें। कुंडली का यदि कोई मेन योग हो उसे एक्टिवेट कर लें तब भी शनि अच्छा लाभ देने लगते हैं। बुध ग्रह, गुस्सा ज्यादा आना, ज्यादा बोलने की आदत हो जाना, काम बंद हो जाना, काम बदलने को दिल करना, गुस्से में सामान तोड़ना, घर के तवा फ्राई पैन या कुकर का हैंडल टूट जाना दर्शाता है कि आपके बुध बहुत खराब हो गए हैं। बुध में बंदे को बहुत गुस्सा आता है, दिमाग पर गुस्सा चढ़ जाता है और व्यक्ति निर्णय लेने की क्षमता खो देता है, बहुत कम हो जाती है निर्णय लेने की, काम बदलने को बहुत दिल करता है। जब बुध खराब होते हैं तो काम बंद हो जाते हैं, ऐसा लगता है कि सभी हमारी इज्जत नहीं कर रहे हैं और हमसे प्यार नहीं करते हैं, बार बार काम बदलने को दिल करता है, गुस्सा अधिक आने के कारण
लड़ाई झगड़े होने लगते हैं, दांतों में से खून भी आने लगता है। यानी ये सारे लक्षण हो सकते हैं, इसलिए बुध में सावधान रहिए, गुस्से को कंट्रोल रखिए, लड़ाई झगड़े मत कीजिए, पाठ पूजा कीजिए। तो आइए उपाय जानते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। मूंगी साबुत दाल का रोजाना दान करना चाहिए। तांबे के बर्तन में मूंगी साबुत दाल भरकर जल प्रवाह करें, मिट्टी के बर्तन में मशरूम भरकर किसी मंदिर में चढ़ाएं। उपाय ज्योतिष आचार्य की सलाह से ही करें, क्योंकि बुध आपके कंट्रोल में रहें, इसके लिए आपको चाहिए किसी योग्य ज्योतिष आचार्य से विचार विमर्श करके उपाय करें। कहीं ऐसा ना हो कि बुध के साथ साथ आप दूसरे ग्रह भी अपने खराब कर लें। केतु ग्रह। केतु ग्रह जब नीच होते हैं तो पेशाब संबंधी रोग लग जाते हैं, टांगे दर्द हो सकती हैं, पेट खराब रहता है, यात्राएं बहुत होती हैं, चोट लगने का, बदनामी होने का डर रहता है, कर्जा चढ़ने का डर रहता है, पुत्र पीड़ित हो सकता है, यानी आपको शारीरिक रोग हो सकते हैं, जैसे पेट की कोई प्रॉब्लम, पेट का कोई ऑपरेशन, पेट का दर्द रहना, टांगों का दर्द रहना, पेशाब ज्यादा आना, तो यात्राएं बहुत होना, काम धंधे में नुकसान होना। तो आइए उपाय जानते हैं कि क्या उपाय करने चाहिए। काले सफेद तिल दोनों दान करें। काला सफेद तिल जो होता है वो लेकर दान करें। काले सफेद तिल चीनी चींटियों को डालें। काला और सफेद कोई ऐसा कंबल जिसमें दोनों रंग हो किसी धर्म स्थान में दें। नींबू छत पर फेंकें। सफेद रेशमी धागा दाएं पैर के अंगूठे पर बांध लें। शुक्र ग्रह। सेक्स का बहुत बढ़ जाना या कम हो जाना, प्रत्येक कार्य में दोहरी मानसिकता होना, चमड़ी रोग होना, घबराहट रहना, पति पत्नी में तनाव रहना, गुप्त रोग होना दर्शाता है कि आपका शुक्र खराब हो रहा है। जब शुक्र आते हैं तो व्यक्ति को स्किन प्रॉब्लम हो सकती है। जब शुक्र आते हैं तो सेक्स बहुत बढ़ सकता है, सेक्स बहुत कम हो सकता है, पत्नी के साथ पति के साथ झगड़े हो सकते हैं। व्यक्ति थोड़ा तैयार शहर होने के लिए बहुत मस्त होता है, नए नए कपड़े डालेगा, सेंट डालेगा, बहुत तैयार होगा। केतु के बाद जब शुक्र आते हैं तो एक जिंदगी बदल जाती है। तो आइए उपाय जानते हैं। रोजाना दही का दान करें। गुप्त अंगों को दही के साथ धोएं। सफेद वस्त्र दान करें, सफेद वस्त्र पहने और परफ्यूम वगैरह लगाएं अच्छे ढंग से, इससे और शुक्र उच्च के होते हैं। सावधान, मैं आपको सावधान करना चाहता हूं कि कोई भी उपाय आप सीधे तौर पर मत करें। मैं आपको सावधान करता हूं कि आप कोई भी उपाय योग्य ज्योतिषाचार्य की सलाह किए बिना मत करें, क्योंकि उपाय गलत होने से आपको नुकसान हो सकता है। ये सब आपको मात्र समझाने या आपकी जानकारी के लिए बताया गया है। उपाय करने से पहले ज्योतिषाचार्य की सलाह जरूर ले लें, क्योंकि बहुत सारे ग्रह ऐसे होते हैं जिन पर दूसरे ग्रहों की दृष्टि होती है, फिर उनकी डिग्री देखनी होती है। ऐसा ना हो कि आप गलत उपाय कर लें। राहु हो, शनु, शनि हो, केतु हो, बुध हो, इन सब के उपाय हम बहुत सोच समझ कर करवाते हैं। कुंडली में ऐसे योग भी होते हैं जो हमें बहुत आगे ले जा सकते हैं। यदि सीधे तौर पर ग्रहों के उपाय ना करके उस योग का उपाय किया जाए तो और ज्यादा लाभ मिलता है, व्यक्ति और ज्यादा आगे बढ़ जाता है। इसलिए कुंडली देखकर ही कोई निर्णय लिया जा सकता है। यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि आने वाले समय में हम बहुत सारी जानकारियां इसमें देने वाले हैं, बहुत कुछ बताने वाले हैं। ज्योतिष से संबंधित, शिरडी के साईं बाबा से संबंधित, हिंदू मान्यताओं से संबंधित, मेरा चैनल ब्रिज मोहन सूरी नाम से है। यदि आप YouTube पर टाइप करेंगे ब्रिज मोहन सूरी तो मेरा चैनल खुल जाएगा, जिसमें बहुत सारी जानकारियां आपको मिलेंगी। क्या हम भगवान से बात कर सकते हैं? हम भगवान को हाथ लगा सकते हैं? क्या स्वप्न में साईं के दर्शन हो सकते हैं?
मुख्य योग कुंडली का कैसे निकलेगा, ये सब। यदि आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, मुझसे कोई सवाल पूछना चाहते हैं, अपनी जन्म पत्री दिखाना चाहते हैं या कुछ और, तो कृपया व्हाट्सएप कीजिए, कॉल मत कीजिए, व्हाट्सएप पर लिखकर डाल दीजिए। 3 दिन में आपको जवाब अवश्य मिल जाएगा। मैं जवाब अवश्य देता हूँ, परंतु वेट करनी पड़ती है। अब मुझे इजाज़त दीजिए। जय साईं राम, नमस्कार, खुश रहिए और अपना ध्यान रखिए।